कोलकाता पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स की टीम ने बीजेपी नेता मनीष शर्मा और कुछ अन्य आरोपियों को नई करेंसी के साथ रानीगंज कोयला बेल्ट से गिरफ्तार किया। इसमें 33 लाख की कीमत के 2000 के नए नोट भी शामिल हैं। वहीं आरोपियों के पास से 7 हथियार, 89 राउंड गोलियां भी बरामद हुई हैं। मंगलवार देर रात कोलकाता पुलिस ने बीजेपी नेता समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया और अब पूछताछ जारी है। इसके साथ ही पुलिस का दावा है कि इस मामले में कई अन्य गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। आपको बता दें कि मनीष शर्मा इसी साल रानीगंज सीट से बीजेपी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। मनीष शर्मा को जब विधानसभा का टिकट दिया गया था तो उनकी भी पार्टी के कुछ नेताओं ने आरोप लगाया था कि पैसे के दम पर मनीष ने टिकट हासिल किया है। शर्मा की पहचान कोयला माफिया के तौर पर भी है। नोटबंदी के बाद से ही विपक्ष मोदी सरकार पर आरोप लगाता रहा है कि उन्होंने अपने नेताओं का काला धन पहले ही सफेद करवा दिया है। अब बीजेपी नेता के पास से नई करेंसी में इतनी बड़ी रकम मिलना वाकई कई सवाल खड़े करता है। देखते रहिए टीवी लाइव।